देश का सबसे बड़ा बैंक SBI अपने मोबाइल ऐप SBI योनो के जरिए घर बैठे लोगों को पर्सनल लोन की सुविधा दे रहा है। SBI ने अभी हाल ही में अपने ऐप योनो पर रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट नाम से लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया था। नाम एक गैर कश्मीरों मजदूर पर हुआ हमला, दो मजदूर हुए घायल। शोपिया के अगला चेनापुरा इलाके में हुआ यह हमला, दोनों मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के चलते कश्मीरी पंडित कर रहे हैं पलायन। कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग की घटनाएं हो रही है। आतंकियों ने एक हिंदू बैंक मैनेजर पर गोलियां चलाई, जिसके डर से कश्मीरी पंडित अब पलायन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित और गैर कश्मीरी पंडितों की हो रही हत्या के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली के जंतर में होगा यह प्रदर्शन। कानपुर हिंसा में CM हुए सख्त। कानपुर में दो समुदायों में पत्थरबाजी, बम मारी और फायरिंग हुई, साथ ही 6 जख्मी हुए। कानपुर हिंसा में CM हुए सख्त। कानपुर में दो समुदाय में पत्थरबाजी, बम मारी और फायरिंग हुई, जिसमें 6 जख्मी हुए। 18 उपद्रवी गिरफ्तार हुए। कानपुर में जुमे नमाज के बाद हुई हिंसा, पुलिस प्रशासन पर उठे सवाल। चुनाव आयुक्त 18 किलोमीटर चले पैदल, तिरंगा समिति को सम्मानित करेंगे केजरीवाल। भाजपा के प्रांतीय कार्यालय के बाहर दोपहर 1 बजे भीष्म गर्मी के पैरालंपिक खिलाड़ियों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन में अपनी सक्रिय साम। भाजपा के प्रांतीय कार्यालय के बाहर दोपहर 1 बजे भीष्म गर्मी के पैरालंपिक खिलाड़ियों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाई। पैरालंपिक खिलाड़ी दोपहर करीब 12 बजे मानसरोवर पार्क में इकट्ठा हुए। यहाँ अपनी मांगों को लेकर चर्चा करने के बाद विरोध प्रदर्शन के लिए निकले। पैरालंपिक खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें खेल, नौकरी व अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाए, सरकार उन्हें भी बेहतर सुविधा प्रदान करे। मैं वैशाली कंवर, तहलका 24 न्यूज, मुंबई।